हेलो दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान नारियल पानी का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। ये आपके लिए, आपके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए बहुत फायदेमंद होता है और खासकर प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में, यानी कि पहले महीने से लेकर तीसरे महीने तक नारियल पानी बहुत जरूरी हो जाता है एक प्रेग्नेंट महिला के लिए। क्योंकि दोस्तों, आपको भी पता है, शुरुआती महीनों में कई सारे ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से महिला का शरीर कमजोर हो जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि शुरुआत के 3 महीनों में महिला का वजन काफी कम हो जाता है। इसका कारण यही होता है दोस्तों कि एक तो हार्मोनल बदलाव होते रहते हैं शरीर में, की वजह से उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनको उल्टी ज्यादा होती है, भूख नहीं लगती है, मन हमेशा बेचैन रहता है। इस वजह से नारियल पानी आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। आपको मैं बता रही हूँ कि नारियल पानी पीने से क्या क्या दिक्कतें नहीं आएगी। सबसे पहला तो ये है दोस्तों कि गर्भावस्था के दौरान खून की कमी नहीं होना चाहिए, और अगर आप नारियल पानी पीती हैं तो इसमें इतने सारे मिनरल्स होते हैं जो शरीर में खून की कमी को पूरा करने का काम करते हैं। और गर्भावस्था के दौरान खून की कमी होना एक बहुत बड़ी समस्या होती है, इसलिए शुरुआत से ही आप अपने शरीर का ध्यान रखें ताकि आपको खून की कमी नहीं हो। उसके बाद पानी की कमी को दूर करता है। शुरुआत के महीनों में इतने वॉमिटिंग होते हैं, मन ठीक नहीं लगता है, खाना लोग कम खाते हैं, इसकी वजह से वो पानी भी कम पीते हैं। पर जब आप पानी कम पिएंगी तो आप खुद सोचिए, आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, और जब पानी की कमी हो जाएगी तो आपको और कई सारे प्रॉब्लम का सामना आगे जाके करना पड़ेगा। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान पानी की कमी को दूर करने के लिए आप नारियल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रोजाना सुबह एक नारियल पानी पीती हैं तो आपके घर में पल रहे शिशु को बहुत फायदे होंगे और आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका जी भी कमी चलाएगा और पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। शुरुआत के 3 से 4 महीनों में दोस्तों हार्मोनल बदलाव बहुत होते रहते हैं, इसकी वजह से कई सारे परेशानियां होती है, थकान आपको हो जाएगी, कमजोरी होती है, सुबह उठते ही आपको जी में चलाने की समस्या होगी, मॉर्निंग सिकनेस की समस्या हो जाएगी। अगर आप नारियल पानी का सेवन करते हैं तो आपको एनर्जी मिलेगी और हार्मोनल बैलेंस बना रहेगा दोस्तों। उसके बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता। शुरुआत के दिनों में आपको ऐसा करना बहुत जरूरी है दोस्तों कि आप किसी रोग के चपेट में नहीं आए, चाहे छोटी से छोटी बीमारी हो या बड़ी। आपको खांसी जुकाम भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके लिए बहुत मुसीबत बन सकती है। तो नारियल पानी का अगर आप सेवन करती हैं तो इससे आपको रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी और आपको जल्दी खांसी जुकाम बुखार नहीं लगेगा। उसके बाद पोषक तत्व। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान पोषक तत्वों की कमी महिला के शरीर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आप खाती हैं उसी से शिशु का विकास भी होता है। आप खुद सोचिए, अगर जब आप कुछ खाएंगी नहीं, पिएंगी नहीं, तो क्या होगा, आपके शिशु का विकास सही तरीके से नहीं होगा, आगे चल के आपको दिक्कत होगा, शिशु के वजन में कमी आ जाएगी। तो आपको अगर इन चीजों से बचना है, इन परेशानियों से बचना है, तो पोषक तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप नारियल पानी का सेवन करती हैं तो पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी, क्योंकि इसमें ऐसे मिनरल्स होते हैं जो आपके शरीर को स्ट्रांग बनाने का काम करते हैं। उसके बाद सीने में जलन की समस्या। गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में सीने में जलन की समस्या कई महिलाओं को होने लगती है। अगर आप नारियल पानी का सेवन करती हैं तो सीने में जलन और कब्ज की समस्या से आपको आराम मिलेगा। और दोस्तों, एक बात जो जरूरी है वो ये है कि दिन भर जो थकान की समस्या होती है प्रेगनेंसी में, अगर आप नारियल पानी पीते हैं तो आपको ऊर्जा से भरपूर रहने में मदद मिलेगी और आपके लिए, आपके गर्भ के लिए काफी फायदेमंद होगा। अब आप समझ गई होंगी दोस्तों नारियल पानी प्रेगनेंसी के दौरान कितना जरूरी है, क्योंकि हार्मोनल बदलाव होते रहते हैं, बीमारियों की चपेट में आप नहीं आए, पोषक तत्वों की आपको कमी नहीं हो, इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। आप 3rd महीने के बाद भी नारियल पानी का सेवन करते रहें, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। नारियल पानी एक ऐसा है दोस्तों कि गर्भावस्था के दौरान हरेक महिला को पूरे 9 महीने तक पीना चाहिए, पर अगर शुरुआत के 3 महीनों तक भी अगर इसका सेवन करती हैं तो आपको बहुत फायदे मिलेंगे।
आशा करते हूँ ये जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।